नमस्कार दोस्तों, अगर आप ओजोन और ओजोन होल के बारे में जरा सा भी पहले से जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ओजोन होल वहाँ पाया जाता है जहाँ पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन तो वहाँ होता है जहाँ पॉपुलेशन यानी कि लोग रहते हैं। तो फिर क्यों ओजोन होल पूरी दुनिया को छोड़ के अंटार्कटिका में ही बना जहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं है? अगर आपको ये जानने में जरा सा भी इंटरेस्ट है कि अंटार्कटिका में ही क्यों ओजोन होल प्रोड्यूस हुआ, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। So let's begin। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने तरह के लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओजोन लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। हालांकि कुछ पार्टिकल्स ओजोन के ट्रोपोस्फेयर में भी होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं होते। जो मेन ओजोन के लेयर्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओजोन क्या है। मैं इतनी देरी से ओजोन ओजोन किया जा रहा हूँ, तो ये ओजोन होता क्या है जिसके बिना हमारा जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता? वो है ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जब वहाँ जाता है तो सन रेज से टकराता है और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो है दो भाग में टूट जाता है, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम फिर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलता है O2 मॉलिक्यूल से और O3 बनाता है, जिसे हम जानते हैं ओजोन के नाम से। यही ओजोन जो है हमें सन रेज के हार्मफुल रेडिएशन मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं ओजोन। अब बात कर लेते हैं कि ओजोन होल क्या होता है। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि ओजोन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। ओजोन जो होते हैं वो कई सारे लेयर्स के रूप में बने होते हैं और उसकी एक फिक्स थिकनेस मतलब कि मोटाई होती है, और ये पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। और जब किसी कारण से इन लेयरों में कमी आती है और इसकी थिकनेस इतनी कम हो जाती है कि सन की हार्मफुल रेज आसानी से उससे पार होके पृथ्वी पर पड़ने लगे, तो हम उसे ओजोन होल कहते हैं। ये क्लोरीन और ब्रोमीन के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पॉल्यूशन के वजह से शुरू हुआ, उससे पहले भी ओजोन हमेशा कॉन्टीन्यूसली टूटते और बनते रहते थे, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन फिक्स अमाउंट में पहले भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे। लेकिन तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता गया। तो और पॉल्यूशन से जनरेट हुआ एक नया केमिकल जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक इनर्ट गैस है जिसके कारण ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में बिना क्लोरीन के लॉस के वो पहुँच जाता है। और जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, वैसे ही जो एटमॉस्फेयर का रेगुलर चेंज है जिसमें ओजोन का डिप्लेशन और उसका बनना वो दोनों होता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा बढ़ चुकी है। अब ओजोन का डिप्लेशन ज़्यादा होगा उसके बनने से, इसे ही कहते हैं ओजोन का होल होना। क्यों? क्योंकि ओजोन की डिप्लेशन की रेट बढ़ चुकी है उसके बनने से। और अगर आपको ये लगता है कि हम बहुत कम क्लोरीन ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचाते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम सब मिल के एक साल में सिर्फ एक क्लोरीन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचाते हैं, तो एक क्लोरीन 2 साल तक ओजोन को डिप्लेट कर सकती है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये वीडियो यहाँ पे बंद देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि अंटार्कटिका में ओजोन होल का रीज़न दूसरा होता है, इसलिए प्लीज़ जो लोग वीडियोस को बंद करने वाले थे वो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। अंटार्कटिका के बारे में जानने से पहले हमें विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट समझना होगा। अर्थ के अपने इस शेप की वजह से जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो इक्वेटर पे उसके घूमने की स्पीड नॉर्थ और साउथ पोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे 24 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, जिसके कारण विंड जो है इक्वेटर से सीधे ना जाके कर्व पाथ फॉलो करने लगता है बिना किसी फोर्स के, और वो ईजिली नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ पहुँच जाता है और वहाँ पोलर वॉर्टेक्स बन जाता है, मतलब पोल्स पे एयर का घेरा बन जाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो आप नेट पे कोरिओलिस इफेक्ट सर्च कर सकते हैं। सन रेज के अर्थ पे पड़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके सबसे पास का एटमॉस्फेयर मतलब कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जहाँ पे पॉल्यूशन रहता है, उसका एयर गर्म हो जाता है। और आप सभी को पता होगा कि गर्म एयर हल्की होती है ठंडी एयर से, जिसके कारण वो एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है और ठंडी एयर नीचे आने लगती है। इसी के वजह से पॉल्यूटेड एयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाती है, और विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट की वजह से वो पूरे ग्लोब में मिक्स हो जाती है। अब हम इतना जान गए हैं कि अंटार्कटिका पे ही ओजोन होल क्यों होता है ये समझ सकें, तो बात कुछ ऐसी है कि अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर
कुछ महीनों के लिए पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अलग होता है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर स्टार्टिंग तक अंटार्कटिका पूरा डार्क होता है, वहाँ सुबह नहीं होता है, सनरेज वहाँ पे 3 महीनों तक नहीं पहुँचती है, जिसके कारण वो ठंडा हो जाता है, और इक्वेटर से दूर साउथ पोल में होने की वजह से वो और ठंडा होके उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अंटार्कटिका के इतना ठंडा हो जाने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आइस क्रिस्टल के रूप में कंपोज्ड होते हैं। आइस क्रिस्टल के सरफेस पे डिफरेंट गैसेस रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण वो हार्मफुल गैसेस जो विंड मिक्सिंग की वजह से पूरे अर्थ से यहाँ पे पहुँचे हैं, जो ओजोन को डिप्लेट कर सकते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली क्लोरीन और अदर गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो ओजोन को लगातार डिप्लेट करती है, और दिसंबर स्टार्टिंग तक ओजोन बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो जाता है। उसके बाद जब सन की रेज दोबारा से अंटार्कटिका पे पड़ती हैं तो ओजोन की रिकवरी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ओजोन फिर से बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा लॉस के बाद बहुत ज़्यादा ओजोन दोबारा से नहीं बन पाता है, जिसके कारण अंटार्कटिका में ओजोन होल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अंटार्कटिका में इस ओजोन होल के फॉर्मेशन के वजह से धीरे धीरे अब आसपास के कंट्री में भी ओजोन होल बनने लगे हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भी कई कंट्री हैं जहाँ पे धीरे धीरे अब ओजोन होल देखने को मिल रहा है। अगर हमें इस ओजोन होल को बनने से रोकना है या फिर कम करना है तो हमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी केमिकल जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं उसे रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1987 में, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसके तहत ओजोन लेयर को डिप्लेट करने वाले केमिकल को कंट्रोल या बैन करने के ऊपर इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट की वजह से नासा ने यह बताया है कि अंटार्कटिका में सर्दियों में जो ये ओजोन डिप्लेट होता है वो अब 20% घट चुका है 2005 के मुकाबले। इसकी वजह से सुधार तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लाइफ टाइम 50 से 100 साल होती है, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है, जिसके कारण इसको ख़त्म होने में पूरी तरह बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि 2060 से 2080 तक ओजोन होल से हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कितने हद तक आप लोगों को ये समझा पाया कि ओजोन होल अंटार्कटिका में क्यों पाया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा ही दें। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।